बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फाइंड आउट करने लगे हैं किसी भी नंबर का क्यूब आप इस ट्रिक से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्यूब्स हमारे पास जो 10 नंबर्स के हैं, फर्स्ट 10 नंबर्स के, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। हम इनको ही यूज़ करते हुए बाकी के क्यूब्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आपके पास कोई भी बड़ा सा नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 23। You want to find the cube of 23. आपने यहाँ पर चार लाइन्स ड्रा करनी है, 1, 2, 3, 4। इन फर्स्ट लाइन आपने 2 का क्यूब लिखना है, फर्स्ट नंबर का क्यूब। इन सेकेंड, इन लास्ट लाइन आपने लास्ट नंबर का क्यूब लिखना है। मिडल में आपने क्या लिखना है, आप फर्स्टली मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से और 3 को 3 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप एक नंबर 2 3 6 6 3 18 18, आपके पास एक नंबर आ गया। आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है पहले डिजिट से और फिर सेकंड डिजिट से, तो 18 2 6 36, वो आपने यहाँ पर लिखते हैं। जब आप दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल्स टू 54, और ये आप यहाँ पर सेकंड डिजिट में, सेकंड वाली आपकी जो लाइन है उधर लिख देंगे 54। अब आपके पास आंसर क्या आएगा, हम इनके क्यूब्स खोल देते हैं। 2 2 4, 2 का क्यूब है आपके पास 8, आपने यहाँ पर लिख दिया, ये आ गया 8, बाकी ये 36 एंड 54 एज इट इज़ लिख दिया। एंड 3 का क्यूब है हमारे पास 27, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। आंसर में आपको हाली जो है यूनिट प्लेस वाले जो आपके पास डिजिट्स हैं उनको आपने यहाँ पर लिखना है, और बाकी दूसरे का क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यूनिट प्लेस में है यहाँ पर 7 7, आपने ऐसे लिख दिया। जो आपका 2 रिमेनिंग है, जो 2 बच गया, वो आपने इधर 54 में ऐड कर देना। 54 में ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 का यूनिट नंबर हमारे पास, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो है 6, वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। बाकी बच गया 5 5, को आपने ऐड कर देना है 36 में। 36 में ऐड करेंगे 5 तो आपके पास बन जाएगा 41। 41 का यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो है 1, और 4 रिमेनिंग है। 4 जो आपके पास रिमेनिंग है वो आपने लिख देना है, ऐड कर देना है 8 के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा 12। वो पूरा का पूरा आपने यहाँ पर लिख दिया। आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, 23 का क्यूब 12167 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। हम किसी और नंबर का क्यूब भी करके देख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 44। चार लाइन्स हमने ड्रा की, फर्स्ट पे 4 का क्यूब, लास्ट पे भी 4 का क्यूब, दरमियान में हम लोग क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 4 16 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 48, आपके पास नंबर आया है। 48 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, वो यहाँ लिखेंगे, फिर 48 को सेकंड नंबर से, वो भी 4 है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे और वो यहाँ पर लिखेंगे 48 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आपने यहाँ पर लिख दिया, और दूसरे को भी 48 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो वो भी आएगा 192, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास 4 का क्यूब क्या है, 64। हमने नंबर्स अगेन जो यूनिट प्लेस पे हैं वो ही लिखने हैं, 4 लिख दिया हम लोगों ने, बाकी रह गया आपके पास 6। 6 को आप 192 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 198। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे है हमारे पास 8, वो हम लिख देंगे, बाकी रह गया 19। 19 को ऐड करेंगे 192 में तो आपके पास आ जाएगा 211। 211 के यूनिट प्लेस पे आपके पास नंबर है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, बाकी 21 ऐड हो जाएगा 64 में तो आपके पास आ जाएगा 85। तो 85184, ये आपके पास है आपका रिक्वायर्ड आंसर। चाहें तो आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे नंबर्स का क्यूब जो है वो इजीली विदाउट कैलकुलेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही मोर वीडियो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, ऐसी ट्रिक्स जो है वो मैथ की आपके साथ शेयर करूं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपके आने वाली नई वीडियोज़ जो है वो ईजीली आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच। फी मनला, अल्लाह हाफिज़।